नमस्कार, आज हम बनाएंगे मूंग दाल का हलवा। तो यहाँ पे मैंने आधा कप ली है मूंग दाल। इसे 2 से 3 बार मैंने बिल्कुल अच्छे से धो लिया ताकि इसकी सारी गंदगी निकल जाए। ये देखिए एकदम साफ पानी है। तो फिर अब मैंने इसे एक छलनी में डाल के फैला के पंखे के नीचे रख दिया ताकि इसे ड्राई हो जाए। आप किसी टॉल पे भी बिछा के इसे डाल सकते हैं, पंखे के नीचे रख दे थोड़ी देर। फिर यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है और सारी दाल को हम अपनी कढ़ाई में डाल लेंगे। गैस की फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो रखा हुआ है, लो फ्लेम पे ही डालें। फिर धीरे धीरे करके अपनी दाल को चलाते रहेंगे और आप देखेंगे थोड़ी देर में ही ये ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगी। हमें जब तक इस दाल को चलाना है जब तक एकदम खिला खिला दाना ना हो जाए। ये देखिए बिल्कुल एकदम इसका पानी जो है सूख चुका है। तो यहाँ पर हम गैस को बंद कर देंगे। थोड़ी देर मैंने इसे कढ़ाई में चला लिया क्योंकि कढ़ाई भी बहुत गर्म है। फिर यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया और अपनी सारी दाल को एक बाउल में डाल लेंगे या किसी प्लेट को प्लेट ले लिया क्योंकि हमें दाल को ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद हम अपनी दाल को ग्राइंडर जार में डाल के पीसेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारी दाल को ग्राइंडर जार में डाल लिया और इसे हमें एक फाइन पाउडर में तैयार करना है। बिल्कुल बारीक तो ये नहीं पीसता है क्योंकि दाल है, थोड़ी सी दरदरी रह जाती है। ये देखिए पीसा तो हमें बिल्कुल फाइन पाउडर ही, पर ये हल्के से जब छुएंगे तो हल्की सी आपको दरदरी लगेगी। फिर यहाँ पे मैंने एक छलनी रखी है बाउल के ऊपर, सारी दाल इसमें डाल देंगे और अपने पाउडर को छान लेंगे। जो दाल थोड़ी मोटी रह जाएगी उसे फिर से ग्राइंडर जार में डाल के पीस लेंगे। यहाँ पे देखिए सारी दाल हमने पीस ली अच्छे से। फिर यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है, यहाँ पे लिया है मैंने आधा कप घी। आप थोड़ा सा और ज़्यादा ले सकते हैं, पर यहाँ पे अभी मैंने थोड़ा घी डाला है, आधा कप में से बचा लिया। फिर इसमें हम सूजी डालेंगे, यहाँ पे बेसन डाल देंगे। बेसन से आप देखेंगे कि हमारे हलवे का जो कलर है बहुत ही अच्छा आएगा। फिर यहाँ पे जो हमने अपनी दाल का पाउडर तैयार किया था वो सारा इसमें डाल देंगे और बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हमें लो ही रखना है, धीरे धीरे मिक्स करते जाएंगे, नहीं तो अगर हाई पे करेंगे तो जो ये दाल का पाउडर जल जाएगा। यहाँ पे सिर्फ हम इसे 3 से 4 मिनट तक ही भूनेंगे क्योंकि हम अपनी दाल को पहले ही भून चुके हैं। बहुत ही अच्छे से खुशबू आने लगी है तो इसके बाद मैंने इसमें 2 कप दूध डालना है। यहाँ पे आप दूध की जगह पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग जो है इस हलवे को पानी में तैयार करते हैं, मगर दूध डालने से क्या होता है कि हलवे में बहुत ही अच्छा सा मावे का टेस्ट आ जाता है। अगर आप यहाँ पर पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे आप 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप अगर खोया डालना चाहे तो खोया भी डाल सकते हैं। बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जो मैंने घी बचा के रखा हुआ है वो बीच बीच में हम अपने हलवे में डालते रहेंगे। यहाँ पे मैंने ढक के रख दिया बिल्कुल लो फ्लेम पे, 5 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे ताकि तो दाल के दाने बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। फिर इसमें मैंने 5 मिनट के बाद फिर थोड़ा सा घी डाला, इलायची पाउडर डालेंगे और चीनी डाल देंगे। चीनी जो है यहाँ पे मैंने आधे कप से हल्की सी ऊपर ही लिया क्योंकि यहाँ पे मैंने सूजी और बेसन डाला है। अगर आप सूजी और बेसन स्किप करते हैं तो आप आधा कप डालें, नहीं तो आधे कप से हल्की सी ऊपर ले लें। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, आप देखेंगे कि फिर से दाल जो हल्की सी ढीली हो जाएगी क्योंकि चीनी डाली हमने यहाँ पर। थोड़े से यहाँ पर हम ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे जो भी आपको पसंद हो, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर लास्ट में हम घी डाल देंगे। बस ऐसे ही लास्ट में जितना भी आपका घी बचाओ सारा का सारा डाल दें क्योंकि यहाँ पे मैंने आधा कप ही लिया था, आप आधे कप से थोड़ा सा ऊपर भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने सारा का सारा घी डाल दिया और बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर दिया। बस इसके बाद हमें 2 से 3 मिनट तक घी पकाना होता है, फिर गैस को बंद कर देंगे। और ये देखिए कितना यमी हमारा हलवा बन के तैयार है और कितना अच्छा कलर आया हमारे हलवे का। तो आप लोग भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखें। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सावरा पेज को सब्सक्राइब करें। रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही आसानी से हलवा बन जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है।